पूरे भारत में भगवान शिव के कई सारे मंदिर स्थित हैं, जिनमें कुछ प्राचीन तो कुछ आधुनिक युग के हैं। मगर तमिलनाडु के इस खास आदि योगी के मंदिर को सबसे खास इसलिए बताया जाता है क्योंकि इस प्रतिमा को बनाने में बहुत लोगों की मेहनत लगी है और कुछ खास बातें गठित हैं। तो चलिए बताते हैं आपको इस मंदिर से जुड़ी खास बातें। दुनिया में पहली बार भगवान शंकर की 112 फीट की प्रतिमा बनाई गई है। दुनिया में जब पहली बार भगवान शंकर की 112 फीट की प्रतिमा बनाई गई है, जिसमें सिर्फ उनका चेहरा ही नजर आता है। इस प्रतिमा का वजन 500 टन बताया जाता है। ईशा फाउंडेशन के अनुसार ये प्रतिष्ठित चेहरा मुक्ति का प्रतीक है और उन 112 मार्गों के बारे में बताता है जिनसे इंसान योग विज्ञान के जरिए अपनी परम प्रकृति को प्राप्त करता है। भगवान शिव के इस चेहरे के डिजाइन को तैयार करने में करीब 2.5 साल का समय लगा है। ईशा फाउंडेशन की टीम ने इसे 8 महीने में पूरा किया था। आज से पहले इस तकनीक को कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। जहां पर स्थित नंदी को भी बहुत खास तरीके से बनाया गया है। धातु के 6 से 9 इंच के टुकड़ों को जोड़कर नंदी का ऊपरी हिस्सा बनाया गया है। भारत के किसी भी मंदिर में नंदी की प्रतिमा ऐसी नहीं बनाई गई। इस प्रतिमा के अंदर तिल के बीज, हल्दी, पवित्र भस्म, विभूति, कुछ खास तरीके के तेल, थोड़ी रेत और कुछ अलग तरह की मिट्टी भरी गई है। प्रतिमा के अंदर 20 टन सामग्री भरी है और फिर इसे अच्छी तरह से सील कर दिया गया है। आदि योगी की इस प्रतिमा में जितना मिश्रण भरा गया है वो सब बहुत ही खास तरीके से तैयार किया गया है। तो आप भी एक बार अवश्य जहाँ घूमने जाएं और इस जगह का लुत्फ उठाएं।